नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो LIC के बारे में आज चर्चा करूंगा, क्योंकि LIC से जो मतलब अपडेट आया वो सबसे पहले आपको जानना है। देखिए, LIC के ऊपर मोतीलाल ओसवाल, आप सभी जानते हैं मोतीलाल ओसवाल एक स्टॉक ब्रोकिंग एंड फाइनेंस कंपनी है। तो उन्होंने खुद इस कंपनी के ऊपर जो टारगेट रखा है वो 1270 रुपीज़ के आसपास। तो ये जो बाइंग का टारगेट उन्होंने रखा 1270 रुपीज़ के आसपास, क्या वो टारगेट तक जा सकते हैं? उसके लिए थोड़ा सा मुझे टेक्निकली चार्ट प्रिंट्स आपको शेयर करना होगा। देखिए, टेक्निकली चार्ट प्रिंट्स के बेसिस में मुझे जो एंट्री मिला, मुझे दो तरीके से एंट्री मिला। पहले जो एंट्री मिला था वो एक छोटा सा यहाँ पे हैंडल बना और बिग जैसे कप बना, मतलब कप विद हैंड पैटर्न्स बना। तो जब कप बना, जो लाइफ टाइम इसका हाई था उस बेसिस में एक कप बना है, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना, और फाइनली उसको जब ब्रेकआउट किया और उसके बाद जब रिटेस्ट किया तो एक दूसरा एंटी भी बना, मतलब फर्स्ट एंटी यहाँ पे बना है। और दूसरा एंटी किस तरीके से बना आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 के 5 बाइंग कैंडल बने। और इस तरीके से बाइंग कैंडल को जब मार्किंग करेंगे तो टोटल रेंज निकल के आना चाहिए 20% के ऊपर। तो अगर 20% के ऊपर आए तो हमेशा मैं ट्रेड किस तरीके से लेता हूँ, शेयर अगर नीचे अगर फिर से वही लेवल को टच किए जहाँ से बाइंग कैंडल स्टार्टिंग हुआ था तो वहाँ पे क्या बनेगा एंट्री, और इस हाई लेवल तक जाने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा टारगेट। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री तो बना है और टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होने का वो कोशिश कर रहा है। ये फर्स्ट टारगेट होगा, और मैं सेकेंड टारगेट जो लेकर चलूंगा वो इसका कफ विद हैंड पैटर्न्स का टारगेट जो है 1300 रुपीज़ का। तो जो मोतीलाल ओसवाल ने जो टारगेट रखा, मुझे लगता है वो टारगेट को वो जल्द से जल्द अचीव करने वाला है। तो बेसिकली शानदार तरीके से एक टारगेट मिलने का चांसेस है, उस टारगेट के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी लाइफ मतलब LIC के ऊपर दो पॉइंट्स आपको बेस्ट लगेगा। कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी हर जगह पर हर दिशा में नंबर वन पोजिशन में है, क्योंकि न्यू बिजनेस प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर 61% और नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पॉलिसीज़ के ऊपर 81% एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसीज़ के ऊपर 74%। तो प्रीमियम के ऊपर, प्रीमियम मार्केट के ऊपर 72% के आसपास। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे डेटा अपडेट देखने को मिला, जो अपडेट से यही क्लियर कट पता चलता है कि कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि कंपनी जिस तरीके से मोमेंटम दिखा है वो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर। अगर मैं फाइनेंशियली डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स में दो चीज़ों को ध्यान देना। कंपनी इस बार हाईस्टली प्रॉफिट जनरेट किया, जो लास्ट 3 क्वार्टर से कई गुना ज़्यादा है। अगर उससे भी पहले देखा है तो 2023 में एंड ऑफ द ईयर में, मतलब Q4 में 13,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया था। उससे पहले 15,800 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, जो कंपनी को आगे पुश करने के लिए काफ़ी है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बना उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, और इस कंपनी के ऊपर जो डेटा व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सोना BLW एंड प्रिसिशन कंपनी। सोना BLW बेसिकली एक 36,900 करोड़ का कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स को याद रखना है। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, क्योंकि कंपनी का इंडस्ट्रीज PE 33 है और कंपनी का खुद के PE 76। अभी PE कितना हाई हुआ वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। एक टाइम इसका PE चला गया था 200 के आसपास, और आज PE कहाँ पे है 80 के आसपास। मतलब एवरेज PE निकल कर रहा है 5 साल में, खुद के एवरेज PE निकल कर है 5 साल में 79%। तो ओवरऑल कंपनी के जो PE है कुछ इस तरीके से सिचुएशन में दिखा, जो कंपनी में अच्छा खासा यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। तो सोना BLW एक ज़बरदस्त कंपनी है, क्योंकि इसका बहुत सारे ऑर्डर्स बुक भी है, बहुत सारे ऑर्डर्स भी कंपनी को मिला है। तो कितना कंपनी को ऑर्डर्स बुक के हिसाब से कंपनी कितना कैपेक्स को इनक्रीज़ किया वो देख लीजिए। पिछले सालों में जो कंपनी का कैपेक्स था 335 करोड़ के आसपास, इस बार वो कैपेक्स बन के हो चुके 319 करोड़। मतलब कैपेक्स एक अच्छा खासा ग्रोथ के हिसाब से देखने को मिला। अभी रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है वो अगर देखा जाए तो कंपनी
पावर सोर्स जो मतलब सोर्स नेचुरल न्यूट्रल के ऊपर 37% बिजनेस कर रहा है। बैटरीज ईवी बैटरी सेगमेंट के ऊपर 29% काम कर रहा है जो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है। उसके साथ साथ माइक्रो हाइब्रिड के ऊपर 24% एंड आइस डिपार्टमेंट के ऊपर 10%। तो ओवरऑल जो परसेंटेज है कुछ इस तरीके से देखने को मिला। डिफेंस सेक्टर में सॉरी डिफरेंशियल गियर बॉक्स में 32% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। साथ ही साथ डिफरेंशियल असेंबल्स के ऊपर 24%, माइक्रो हाइब्रिड जो स्टार्टर मोटर्स है उसके ऊपर 24%। साथ ही साथ मतलब आप देख सकते हैं कन्वेंशनल जो स्टेयर है उसके मोटर्स के ऊपर 10%। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो व्यू है वो व्यू के बारे में बात करूँ, कंपनी अच्छा खासा एक ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस के साथ साथ कंपनी का फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रांग है। 700 करोड़ से 790 करोड़ तक पहुँचा और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 144 करोड़ से 130 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर इसीलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ इन्वेस्टर अच्छा खासा होल्डिंग इसीलिए करेंगे क्योंकि ऑटो सेक्टर में ऑटो इंसुलेंस इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा डिमांड है और फ्यूचर में वही कंपनी का डिमांड बढ़ेगा जो ईवीज के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा है। इस कंपनी ईवीज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इसके लिए इस कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट प्रेजेंस है उसके बारे में बात करूँ तो पहले शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश तो किए थे। यहाँ पे स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस मिला 703 रुपीज़ के आसपास। उस लेवल को फेस करने के बाद कंपनी करेक्शन भी हो गया। मुझे लगता है यहाँ से कंपनी के ऊपर बाउंस बैक होने का चांसेस है और बेस्ट तरीके से बाउंस बैक होने का चांसेस भी है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है उनो मिंडा। देखिए उनो मिंडा ऑटो इंडस्ट्रीज की और एक कंपनी है जो बेसिकली इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है जो सोना बीएलडब्ल्यू से कई गुना ज़्यादा अच्छी कंपनी है क्योंकि इसका मार्केट कैप 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। देखिए अगर मैं प्यार करूँ बाकी कंपनी से, इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लगा। अभी कंपनी के सेल्स ग्रोथ भी बहुत शानदार है और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, बेस्ट लेवल में देखने को मिला। आरओसी भी ठीक है, डेप्थ भी कम है। तो कंपनी में हर दिशा में देखे तो उनो मिंडा में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है। अभी उनो मिंडा के जो कैपेक्स है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी इस बार हाइस्ट कैपेक्स जनरेट किया। जो पिछले बार था 940 करोड़ इस बार बढ़ के हो चुके 1,030 करोड़। मतलब एक अलग लेवल का कैपेक्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, एक अलग लेवल का ग्रोथ इस कैपेक्स के हिसाब से देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर दो चीज़ों को नोटिस करना, पहले आरओई 15% के आसपास है एंड आरओसी 16% के आसपास है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 4 से 5% के आसपास है। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो जो लास्ट ईयर में कंपनी का डेप्थ है वो 0.30% के आसपास देखने को मिला। मतलब डेप्थ भी कम है और सारे पॉइंट्स भी ठीक ठाक है और यही कारण के वजह से कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी आपको शानदार दिखेगा। आप देख सकते हैं प्रॉफिट 164, 156, 194 एंड 300। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, बेस्ट तरीके से कंपनी क्या क्या यहाँ पे प्रॉफिट किए और इसी बेसिस में मुझे लगता है इस कंपनी में अच्छा खासा एक पोटेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी रही बात चार्ट पैटर्न का, देखिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक रेंज बना था, उस रेंज के बाद मतलब यहाँ पे काफ़ी ध्यान पैटर्न बना था। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। तो जो लोग इस टॉप लेवल में बाई करने का कोशिश कर रहे हैं उसके लिए मैं बता दूं ये इस जगह पे कंपनी का हाई रिक्सी जोन है। तो इस तरीके से रिक्स लेने से पहले एक बार नहीं चार चार बार सोचना, उसके बाद काम करना। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड, तो ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट आने वाला है क्योंकि कंपनी की जो फेस वैल्यू है, इसका जो फेस वैल्यू 10 रुपये है, कंपनी बता रहा है कि बोनस और स्प्लिट दोनों के कोई भी एक पॉइंट्स को वो जल्द से जल्द लेके आने वाले हैं। मतलब बोनस भी मिल सकते हैं और स्प्लिट भी मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, जब अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।